राजधानी दिल्ली के अशोक विहार थाना इलाके के जेलरवाला बाग से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के जेलरवाला बाग में अभी भी लोग जल बोर्ड के टैंकर से पानी भरते हैं, जिससे आज एक बड़ा हादसा हो गया। यहां दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर ने 1 साल के मासूम बच्चे को टक्कर मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बच्चों की मां अपनी 12 साल की बच्ची और 1 साल के अनस को पानी भरने के लिए अपने साथ में ही ले आई। दोनों बच्चों को किनारे बैठा दिया, उसके बाद वह टैंकर से पानी भरने लगी, लाइन में लग गई। इस दौरान दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर ने गाड़ी खड़ी करने के लिए टैंकर को पीछे किया, जिसकी चपेट में 1 साल का अनस आ गया। बता रहे हैं कि इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 1 साल का अनस, जिसने अभी इस दुनिया को आँख खोलकर देखा भी नहीं था, उसकी आँखें हमेशा के लिए इस हादसे के चलते बंद हो गई, और इसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी जिम्मेदार है। क्योंकि दावा किया जा रहा था कि पूरी दिल्ली में सभी जगह पर टैंकरों को बंद कर दिया गया है और पीने के पानी अब लोगों के घर में ही नलों के द्वारा मिल रहे हैं, लेकिन इस हादसे ने उन दामों की भी पोल खोल दी, क्योंकि आज भी जेलरवाला बाग में पानी का टैंकर पहुंचाया जा रहा है, जिसमें लाइन लगाकर धक्के खाने के बाद लोग पीने के पानी की व्यवस्था कर पाते हैं। और आज इसी पीने के पानी के जल बोर्ड के टैंकर से दबकर मासूम की मौत हो गई। फिलहाल अशोक विहार थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने चालक को हिरासत में ले लिया और पानी के टैंकर को भी जब्त कर लिया है। इस हादसे के बाद मृतक बच्चे के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दिल्ली से संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट। अनीता दुबे जी, क्या हुआ? जैसे सारे टैंकर आता है, टैंकर आता है तो पानी, ये लोग क्या करते हैं कि सारे ड्राइवर पी के जाते हैं। बच्चे जब देखते हैं कि बच्चे हैं, चाहे कोई पानी भर रहा है, तो टैंकर चालू करना कोई जरूरी नहीं है। जब सारे भर के हटे तब वो टैंकर के जाने का अथी है। एक का काम करते हैं, थोड़ा पानी भराते हैं, थोड़ा ही में स्टार्ट करके अपना टैंकर लेके भागने लगते हैं। अब उसी में पानी भर रहे थे, बच्चे के देखे कि पानी देखे, उसी में बच्चे चले गए अंदर, और बच्चे के दाब के टैंकर चढ़ा के दाब के टैंकर लेके भाग गए। बच्चे की तो टैंकर मृत्यु हुई है, कितने साल का? वो 1 साल 3 महीने का बच्चे है। जी, अभी पुलिस की कोई कार्रवाई? पुलिस का कार्रवाई जो पुलिस है अभी कार्रवाई कुछ ढंग से नहीं कर रहे हैं। आप लोग जो रिपोर्ट हम लोग कह रहे हैं वो रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे का हमारा इंसाफ मिले, क्योंकि एक यही बच्चा नहीं है, और बच्चा है, और टैंकर जाएगा और बच्चे दबेंगे, कहीं सियान भी दब जाएंगे, बच्चे भी दब जाएंगे, चाहे कोई भी हो के नुकसान नहीं होना चाहिए। पानी के लिए तो हम भी आते हैं कि भैया पानी दो, लेकिन ये बात नहीं हुआ कि पानी वाला आए तो टैंकर आधा पानी भरे और टैंकर स्टार्ट करके लेके चल जाए। कोई भी ड्राइवर पी के नहीं जाना चाहिए। एक तो जाते हैं तो बदतमीजी से बात भी करते हैं। क्या ये ड्राइवर दारू के नशे में था क्या? कोई कंफर्म नहीं बता, हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन क्या हुआ था बेटा? हम पानी भरने गए थे वहाँ पर, हम बाबू को नीचे बैठा दिए, हम पानी भरने लग गए, गाड़ी आगे बढ़ाया, वो ये नहीं देखा, वो पी के हमेशा आता है उधर चलाता है, आधे बच्चे बहुत जाने को चोट लगी है, वो देखा नहीं, उसे हम कह रहे अंकल रुक जाओ थोड़ा, बाबू को हटा ले, देखा उधर देखा नहीं, वो गाड़ी अचानक से बढ़ा लिया, ये रोकना चाहे इसे गाड़ी से धक्का दे दिया, धक्का ऐसे दिया, वो गाड़ी भगा लिया, सबने बहुत रोकने की चाहिए, सबको चोट आई, इसे धक्का भी दिया, रोका नहीं बस वो। क्या ड्राइवर दारू पी रखा था क्या? हाँ, दारू पी रखा था। पीता है वो, दारू पी के हमेशा आता है। अरे नंबर नोट कर रखा उसका। क्या लग रहा है उसके साथ में कितने लोग थे जो अकेले आते हैं? अकेले आता है। हाँ जी, किस जगह का मामला? जेलरबाग, जेलरबाग बिल्डिंग पर, वहाँ बिल्डिंग बन रही है बहुत बड़ी बड़ी। अच्छा, वहाँ पानी आता है? हाँ। तो आप लोग वहाँ पानी भर रहे थे? हाँ जी। अभी तो क्या कार्रवाई रहा? पुलिस अभी कुछ हुआ नहीं, कुछ काम हुआ है? सर अजय प्रताप नाम है। अजय जी, क्या मामला था? सर अभी जो मैं वहाँ पे जाकर तो ये टैंकर गया हुआ था, तो पानी भरते समय एक बच्चा टैंकर स्टार्ट किया, उसने निकाला, उसमें एक बच्चा जो है एक्सीडेंट से उसकी चोट आई और डेथ हो गई। किस जगह का मामला है? जेलरवाला बाग जो बिल्डिंग है ना बनी हुई, डीडीए की, उसके पीछे रोड है सर, चौड़ा रोड, उसी के उसी पर। क्या पुलिस का अभी तक क्या कार्रवाई रहा? सर पुलिस कार्रवाई कर रही है अपने तरीके से, जो भी कार्रवाई है उसका पोस्टमार्टम के लिए बोला है कि पोस्टमार्टम करवाएंगे उस बच्चे को। जो आसपास के जो आरोप लगा रहे हैं कि ड्राइवर नशे के हालत में आता है, बदतमीजी करता है, क्या बात
पता चला आपको? सर ये जब तक मेडिकल नहीं करवाया जाएगा ड्राइवर का, तब तक हम कैसे जान सकते हैं कि ड्राइवर नशा कर रखा था या नहीं नशा कर रखा था, ये तो डिपेंड करता है मेडिकल के ऊपर। अभी तक पुलिस इस मामले पे कोई कार्रवाई कर पाया या नहीं? नहीं नहीं कार्रवाई कर रही है पुलिस थाने वहाँ हॉस्पिटल में है बच्चे के साथ। अभी SHO साहब भी गए थे मौके पर और जैसा भी होगा बताया उन्होंने कि उसके ऊपर गाड़ी का नंबर लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई करो। अच्छा ये जो बच्चा है इनका पहला था या दूसरा बच्चा था? सर इसका दो बच्चे थे, पहले से दो बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। अच्छा ये तीसरा बच्चा था? लड़का 1 साल 3 महीने का है। लड़का जो खत्म हुआ जो टैंकर से दबाया, 1 साल 3 महीने का, डेढ़ साल का बच्चा हुआ, 1.5 साल का, 1.5 साल मान लो। अच्छा उनके परिवार में कौन कौन रहने वाले? उसके परिवार में उसकी नानी है, उसकी माँ है, उसकी मौसी है, बस फिलहाल यही है।